क्योंकि दो कैमरास लगे हुए हैं इसलिए करना पड़ रहा है मुझे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, और आज हम करने वाले हैं एक फेक डुअल शॉक 4 की अनबॉक्सिंग। और शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू गाइज कि एक मेरा फ्रेंड है यूट्यूब पर, वो तबाही मचा रहा है लिटरली, उसके 1,15,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हिज नेम इज इंडियन सोल्जर 1, उसका चैनल का नाम है इंडियन सोल्जर 1। उसका चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैनल लिंक डालने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि ये जो वीडियो है एक तरह से कोलैबोरेशन में बन रही है विद द हेल्प ऑफ वासव, और उसने एक जेन्युइन DualShock 4 ब्लू कलर के कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग करी है अभी अपने चैनल पर, और मैंने एक फेक DualShock की अनबॉक्सिंग करनी है इस वीडियो में। सो एक तरह से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा उसकी वीडियो देखकर और मेरी वीडियो देखकर कि फेक और रियल DualShock 4 में क्या कंपैरिजन है। मेरे पास यहाँ पर भी रियल जेन्युइन DualShock 4 पड़े हैं दो जो मुझे मेरी PS4 के साथ मिले हैं, और एक गोल्डन कलर का भी विच इज राइट हियर। उसके अलावा बॉक्सेस भी हैं मेरे पास बहुत सारे। एंड माइंड यू गाइज, ये वीडियो ना बहुत क्रेजी होने वाली है, पता है क्यों? क्योंकि इतना डिफिकल्ट हो रखा है ना एक जेन्युइन और एक फेक DualShock 4 में पता लगा पाना। उसका रीजन ये है बिकॉज द DualShock 4 यूजेस अ वेरी बेसिक नेचर ऑफ ब्लूटूथ टू पेयर विद योर PlayStation 4, और उसकी रेप्लिका बनाना, उसको फूल करना बहुत ईजी है। अगर PS4 कुछ प्रोप्राइटरी तरीका यूज करता है DualShock 4 से कनेक्ट करने का, तो मे बी उसको कॉपी करना इतना ईजी ना होता जितना एक सिंपल ब्लूटूथ कंट्रोलर या फिर ब्लूटूथ इंटरफेस को कॉपी करना हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अनबॉक्स दिस कंट्रोलर। एज यू कैन सी ये ब्रांड न्यू पैक्ड है, और सबसे पहले आप अगर बॉक्स पर नजर डालें तो आपको कोई ऐसी चीज नहीं समझ आएगी कि यार ये सोनी की तरफ से जेन्युइन पैकेजिंग नहीं है। और आप देख सकते हैं पीछे इंफॉर्मेशन है, इफ यू वांट टू पॉज इट एंड रीड इट तो आप कर सकते हो। और V2 कंट्रोलर है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको, नीचे बारकोड्स भी मिल जाएंगे प्रॉपर, जैसे कि सोनी लगा कर देती है अपने बॉक्सेस पर। उसके अलावा प्रॉपर सील भी है यहाँ पर, एंड ये प्लास्टिक वाला जो हैंगिंग वाला लूप होता है वो भी है यहाँ पर। सो पैकेजिंग वाइज यू वोंट बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि और किस तरीके की पैकेजिंग अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हैं जो ये वाला कंट्रोलर था वो इस तरीके की पैकेजिंग में था मेरे पास, विच अगेन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द रेप्लिका मार्केट एज वेल। और उसके बाद एक पैकेजिंग ये आती है जो अभी वासव ने अनबॉक्स किया है, लिटरली ऑलमोस्ट सिमिलर है इस पैकेजिंग के। मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ जो ये वाली पैकेजिंग है, ये जो वासव ने अभी अनबॉक्स किया है अपने चैनल पर, बिल्कुल इसकी तरीके की है। सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू जज बाय द पैकेजिंग इटसेल्फ कि क्या ये चीज जेन्युइन है या फिर ये एक रेप्लिका है। एंड रेप्लिका होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस इट इज सोल्ड, जो दुकानदार आपको बेच रहा है वो ये बता के बेच रहा है कि भाई मैं एक रेप्लिका प्रोडक्ट बेच रहा हूँ आपको, और उसी दाम पर बेच रहा है जिस पे वो रेप्लिका प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ना कि वो आपको फूल कर रहा है ये बोल के कि मैं एक जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहा हूँ और उसका जो दाम है वो भी आपसे जेन्युइन प्रोडक्ट जितना ही लिया जा रहा है। तो लेट्स जंप स्ट्रेट इन द वीडियो, हम इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले लेट्स कट द सील, प्रीटी इजी। ओके ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक की जो इसकी क्वालिटी है काफी चीप लग रही है एज कम्पेयर टू अ जेन्युइन DualShock 4 की पैकेजिंग की क्वालिटी जो होती है। आई थिंक इट्स ओके, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये बॉक्स है, इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ और मैं यहां पर दिखाता हूँ एक बार आपको ये जो जेन्युइन DualShock 4 की पैकेजिंग का प्लास्टिक है ये वाला, दिस इज मच मोर थिकर, ठीक है, देन दिस वन। ये बहुत ही फ्लिमजी सी क्वालिटी है, जैसे बहुत ही पतला प्लास्टिक हो। ऑल्दो इट्स से नो टू प्लास्टिक टाइम नाउ, इनको रखते हैं साइड में। उसके बाद हम देखते हैं मेन DualShock 4, और सबसे बड़ा डिफरेंस गाइस जो आप पता लगा सकते हो एक जेन्युइन या फिर एक रेप्लिका DualShock 4 में, वो है ये प्लास्टिक प्रोटेक्शन राइट ऑन द DualShock 4's ट्रैक पैड। ये प्लास्टिक प्रोटेक्शन जो है, आई हैव हर्ड, मुझे शॉपकीपर्स नहीं बताया है जहां से मैं ये लेकर आया हूँ, पुनीत भैया से। पुनीत भैया के शॉप पालिका बाजार में है, इलेक्ट्रॉनिक्स पैलेस, शॉप नंबर 2। डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, वहां से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। एंड सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये कि जो उन्होंने मुझे बताया पुनीत भैया ने कि DualShock 4 के रेप्लिका के ऊपर ये प्लास्टिक प्रोटेक्शन मिलती है इसके ट्रैक पैड के लिए, बट जो जेन्युइन DualShock 4 है उसके लिए ये कोई प्रोटेक्शन नहीं आती है। सो दैट इज द नंबर 1 डिफरेंस। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं एक जेन्युइन DualShock 4 के कंपैरिजन में, इट्स लिटरली अ 1-to-1
रेप्लिका, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है विजिबल मुझे जो मैं एकदम देखते पता लगा सकूं अपनी नंगी आंखों से, नो स्टीलता अनटेंडेड, अपनी नंगी आंखों से मैं देख के पता लगा सकूं कि भाई ये एक रेप्लिका प्रोडक्ट है और ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो दूसरी चीज जो मुझे लग रही है जो आपको हेल्प कर सकती है वो ये कि इसकी जो एलईडी ब्लिंक हो रही है वो देख सकते हैं काफी सटल है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा लेस प्रोनाउंस्ड है एज कंपेयर टू दिस वन। ये देख रहे हो कितनी ब्राइट सी है, और दिस डजंट एट ऑल मीन कि इसमें बैटरी नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हो अगर मैं साइड बाय साइड रखूं तो इस वाले की जो एलईडी है राइट हैंड साइड पे जो है वो कितनी ब्राइट है एज कम्पेयर टू द जेन्युइन PS4 कंट्रोलर। और एक बार दूसरे पे भी देख लेते हैं टू वेरीफाई कि क्या ये इसी में है या इसी में। ओके, दिस इज आई गेस आउट ऑफ बैटरी, इसको हटा देते हैं, ये वाला देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये जो जेन्युइन DualShock 4 है उसकी जो एलईडी ब्लिंक हो रही है वो बहुत ही लेस इंटेंसिटी की है एज कम्पेयर टू द रेप्लिका 1। ये मे भी हो सकता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंट हो सकता है भाई ये, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हेल्प कर लेगा आपको पता लगाने के लिए। सो एक बारी मैं इस वाले कैमरा में भी दिखा देता हूँ, मे बी इट्स गोना कैच इट बेटर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है वो ज्यादा ब्राइट है, ये ज्यादा सटल है, बहुत ही डिम है ये वाली एलईडी। एंड मैंने किसी भी तरीके से इनको PS4 की सेटिंग्स में ट्वीक नहीं कर रखा है कि ये ब्राइटर जले ये लो जले। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको साथ में देखने को मिल जाता है एक USB केबल, ठीक है, एंड देयर इज अ मैनुअल एज वेल। सबसे पहले USB केबल की देख लेते हैं क्वालिटी, वो भी मुझे ऐसी चीप सी लग रही है। सो दिस इज अगेन वन बिग डिफरेंस, अगर आपको इसकी जो USB केबल है माइक्रो USB केबल उसकी क्वालिटी भी चीप लगती है दैट मीन्स इट इज अ रेप्लिका। ये इसकी क्वालिटी मुझे बहुत स्टर्डी नहीं लगी, चीप सी लग रही है। लेट्स कीप दिस असाइड एंड इसमें देख लेते हैं वायरलेस कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ओके, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी कुछ इस तरीके का है, ऑल्दो मैंने व्हाट्सएप की वीडियो में इतना ध्यान नहीं दिया कि उसका भी ऐसे ही खुलता है ये इस तरीके से, या फिर बुकलेट की तरीके से खुलता है। ठीक है, एंड V2 कंट्रोलर है ये, मैंने बता दिया है। प्राइस क्या है मैं एंड में बताता हूँ मुझे कितने का पड़ा है, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट्स कीप देम असाइड, और कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। सो मैं इसको हटाता हूँ वीडियो के लिए, बट आई अगेन स्टिक इट। ओके, लेट मी जस्ट, ओके क्या डिफरेंस है कुछ ट्रैक पैड में, सो लेट्स जस्ट फील इट। नहीं, ऐसा तो कुछ नोटिसेबल डिफरेंस मुझे ट्रैक पैड में तो नहीं लग रहा है। अब एक बारी बटन्स प्रेस करके देखते हैं। ओके, डी पैड सेम है, ऑप्शंस बटन की फील सेम है, सेम है भाई बिल्कुल। ओके, मैं आई वुड लाइक टू से बोल्डली मे बी कि यार ये देखो थोड़ा सा ना आपको कलर टेक्सचर जो है वो डिफरेंस लगेगा इन दिस कंट्रोलर। इसमें हल्का सा मैट ग्रे है ऐसा लग रहा है इन वाले सिंबल्स वाले बटन्स के ऊपर, एंड इसमें ग्लॉसी ग्रे है इफ यू कैन नोटिस अच्छे से। आई डोंट नो कैमरा ये ढंग से कैच कर पा रहा है नहीं, बट इट इज अ वेरी सटल डिफरेंस। ये मैट ग्रे है, ये ग्लॉसी ग्रे है एंड जेन्युइन वन, आप अगर देखो साइड बाय साइड में रखूं तो। ओके भाई, बटन क्लिक्स एंड क्वालिटी वाइज तो ऑलमोस्ट देर इज नो डिफरेंस। PS बटन भी सेम है, स्पीकर ग्रिल भी सेम है, ट्रैक पैड भी इनफैक्ट बहुत ही अच्छे से ब्लिंक कर रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड ट्रैक पैड की जो एलईडी है वो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जैसा कि पीछे की एलईडी में है कि वो कोई ब्राइट है और दूसरी नहीं है। सो आप देख सकते हैं गाइस, बैक से भी बिल्कुल डिट्टो सेम है, ये रीसेट स्विच है यहाँ पर बिल्कुल सेम है, एंड जो सीरियल्स हैं बार कोड्स हैं वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जगहों पर ही हैं, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड एक चीज़ मैं शायद मेंशन करना चाहूँगा कि जो स्टिकर है उसकी अलाइनमेंट भी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, नथिंग एल्स। एंड स्टिकर के ऊपर जो ये इन्फॉर्मेशन मेंशनड है वो भी कुछ कुछ डिफरेंट लग रही है मुझे। यहाँ पर देखो ये साइन नहीं है ये EAC का। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या और जगहों पे या आपके कंट्रोलर में ये वाला साइन है ये EAC। स्क्रूज भी हम देख लेते हैं एक बारी, स्क्रूज में भी कोई डिफरेंस नहीं है गाइज, लिटरली एवरीथिंग इज 1:1 का रेप्लिका है यहाँ पर, सिवाय छोटी छोटी चीजों के जो मैंने इस वीडियो में मेंशन करी है, सो डू लुक फॉर देम। और गाइज, एक और तरीका जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आपके पास कोई भी सोनी का जो प्रोडक्ट है एटलीस्ट प्ले स्टेशन से रिलेटेड
वो जेन्युइन है या नहीं, वो है ये वेबसाइट जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ये सोनी का ऑफिशियल सपोर्ट पेज है। सो एज यू कैन सी आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने डुअल शॉक 4 सिलेक्ट किया है एंड जहाँ पर ये स्टिकर लगा होता है उसका जो यहाँ पर सीरियल नंबर है वो मैं इनपुट करके देखता हूँ। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जेन्युइन बताएगा या फिर नहीं, बता भी सकता है। एज यू कैन सी ये सबमिट हो गया, प्रोसीड हो गया, जबकि मैंने वो वाला सीरियल नंबर डाला है जो कि एक फेक PS4 कंट्रोलर है जिसकी मैंने अभी भी अनबॉक्सिंग करी है। इसका मतलब ये कि ये जो कोड होता है इट इज़ नॉट यूनिक टू द DualShock 4, मतलब कि आपके DualShock 4 पे जो सीरियल नंबर है अगर वो एक जेन्युइन DualShock 4 है, अगर आप वही सीरियल नंबर किसी और DualShock 4 के स्टिकर पर भी प्रिंट कर दोगे तो इट विल ऑल्सो शो इट एज अ जेन्युइन प्रोडक्ट। इट कैन बी रेप्लिकेटेड, इट कैन बी डुप्लीकेटेड अगेन, जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो। एंड एक और एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने एक और प्रोडक्ट का यानी कि एक और DualShock 4 का सीरियल नंबर जब डाला है तो आप देख सकते हो कि वो सबमिट नहीं कर रहा है एंड रेड डायलॉग बॉक्स में हमारे पास मैसेज आ गया है कि प्लीज़ चेक कि जिसका आप सीरियल नंबर डाल रहे हो वो एक सोनी का प्रोडक्ट है या फिर नहीं। तो कभी कभी ये डिटेक्ट कर भी लेता है एक फेक प्रोडक्ट को, बट इन मोस्ट केसेस इसको भी फूल किया जा सकता है। गेम प्ले में कोई डिफरेंस नहीं आता इसलिए मैं कुछ खास इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ गेम प्ले के अंदर। आई एम जस्ट गोना डू इट अ फिजिकल ओवरव्यू वाला डिफरेंस। नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल थिंग जो कि है इनका प्राइस। जी हाँ गाइस, जहां पर ये जेन्युइन PS4 कंट्रोलर्स आपको जो ब्लैक वाला है स्टैंडर्ड एडिशन वो 4,000 रुपये मिल जाता है एंड सेल के टाइम पर या फिर कोई ऑफर्स के टाइम पर 3,500 तक मिल जाता है, वहीं पर ये रेप्लिका कंट्रोलर्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर नो मैटर कि कोई डिस्काउंट चल रहा है या नहीं, ये आपको कहीं भी 2,000 से लेकर 2,500 के बीच में मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वेरियंट्स। 2,500 से ऊपर इसकी कीमत नहीं होती है। सो इफ यू आर पेइंग अ प्रीमियम फॉर दिस, आप समझ जाना कि आपको उस दुकानदार ने सक्सेसफुली फूल बना दिया है। बट जागो ग्राहक जागो, इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि जेन्युइन PS4 कंट्रोलर की क्या क्या छोटी छोटी पहचान है जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई है तो, एंड अगर पसंद आ ही गई है तो और इतनी दूर तक आ गए हो वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो यार एंड शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने एक PS4 ओन करते हैं और वो लेना चाह रहे हैं DualShock 4 कंट्रोलर। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस।